तो यार 2-3 दिन पहले मेरी ये रिंग लाइट खुद ही चलते चलते बंद हो जाती है। तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो इसकी ये जो सी यूएसबी टाइप ए वाली पोर्ट होती है ये बिल्कुल टूट जाती है और इसके अंदर से ये जो सी तारे होती हैं ये बिल्कुल निकल के बाहर आ जाती हैं। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च किया लेकिन मुझे इसका कोई भी ऑथेंटिक रिजल्ट मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको घर पर रिपेयर किया जाए, अपने आप से रिपेयर किया जाए और आपके साथ भी इसको शेयर ज़रूर किया जाए ताकि आपकी भी जो सी इस तरह की ख़राब यूएसबी आपकी जो सी भी इस तरह की खराब रिंग लाइट है वो आप घर पर ठीक कर सकें और इसकी ये जो सी यूएसबी है इसको अच्छी तरह से रिपेयर कर सकें। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, अपने इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये जो सी रिंग लाइट की तार है, ये जो सी वायर है इसको आपने अच्छी तरह से कट कर लेना है और इसके अंदर जो सी वायर है इसको भी आपने अच्छी तरह से कट कर लेना है ताकि इसके नीचे से जो सा कॉपर होता है वो बाहर आ जाए। ब्रेक आपने ले लेनी है, ये जो सी चार्जर की लीड होती है, कोई भी खराब लीड चल जाएगी क्योंकि हमें सिर्फ इसके आगे वाला ये यूएसबी ए वाली पोर्ट चाहिए और आपने इसको भी अच्छी तरह से यहाँ से कट कर लेना है और इसको भी आपने अच्छी तरह से अंदर से छील लेना है, इसके कॉपर को बाहर निकाल लेना है। तो आपने किसी भी कटर या प्लास की मदद से इन तारों को छील लेना है। अब यहाँ पर 4 तारे हैं, अब यहाँ पर बात सीखने वाली है, आपने वाइट को और ग्रीन जो सी वायर है इन दोनों को साइड पर कर देना है और हमारे काम किए हैं ये सिर्फ 2, 1 पिंक और ये जो सी ब्लैक वायर है ये हमारे काम किए हैं दोनों। इन 2 तारों को आपने थोड़ी सी यहाँ से आग देनी है और इसको आपने यहाँ से उतार लेना है। बहुत ही आसान तरीका है ये वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीका भी है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने ये काम करना है। तो ये 2 तारें हमने यहाँ पे छील ली हैं, अगर आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा हो तो ये इनका जो अंदर वाला कॉपर होता है या सिल्वर जो भी होता है इनके अंदर ये बाहर आ चुका है। अब ये जो सी रिंग लाइट वाली तारें इनको भी आपने लाइटर की मदद से अच्छी तरह से छील लेना है। कुछ इस तरह से आपने इन दोनों तारों को भी अच्छी तरह से छील लेना है ताकि इनका जो सा कॉपर होता है वो बाहर आ जाए। अब आपने सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ से टेप उतार लेनी है और ये जो सी 2 हमने तारें अलहदा की थी ये यूएसबी टाइप ए वाली पोर्ट की, इनको आपने यहाँ से टेप से अच्छी तरह से नीचे चिपका देना है। और अब आपने ये जो सी ब्लैक वाली वायर है ब्लैक के साथ और ये जो सी पिंक वाली वायर है इसको पिंक के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट कर देना है। फिर आपने थोड़ी सी यहाँ से टेप उतारनी है और ये जो सी पिंक वाली वायर है इसको नीचे करके अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने टेप लगा देनी है ताकि ये आपस में कनेक्ट ना हो और स्पार्क होने का कोई भी चांस यहाँ पर मौजूद ना हो। एक और छोटा सा पीस उतारते हैं टेप का और इसको जो सी ब्लैक वाली हमने कनेक्ट की थी वायर आपस में इसके ऊपर लगा देते हैं। अब इनको यहाँ पे रख के इसके ऊपर और थोड़ी सी टेप लगा देते हैं ताकि हमारा जो सा कनेक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए और कोई भी इसमें स्पार्क होने का चांस मौजूद ही ना हो। लेकिन जी हमारी जो सी है रिंग लाइट वो बन के तैयार हो चुकी है। तो करते हैं कनेक्ट इसको अपने चार्जर के साथ और अब इसको लगाते हैं स्विच के अंदर और ये हमारी जो सी लाइट है वो इंडिकेट होने लग चुकी है और अब इसको चला के देखते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी रिंग लाइट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है, आपको मेरे चेहरे पे रोशनी नज़र आ रही होगी, बिल्कुल बेहतरीन रोशनी होगी है जैसे इसकी पहले रोशनी थी। ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से ये पहले काम कर रही थी। स्विच हिल गया, इसका कनेक्ट हो गया फिर से। ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से ये पहले काम कर रही थी। बिल्कुल आप इसको किसी भी तरीके से चला सकते हैं, ये बिल्कुल वही सिंपल तरीके से हमने इसको कर दिया और बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है जो सा मैंने आपको बताया है। तो अगर आपकी भी कुछ इस तरह की कोई भी रिंग लाइट हो, ये बार बार स्विच ही जाता है इसका, कोई भी इस तरह की रिंग लाइट हो जो कि ये वाले मसले से ख़राब हो चुकी है, तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसानी से घर पर ही सही कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और फॉलो कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।